कि आपको रास्ते पर अकेले चलते हुए ऐसा लगा है कि कोई आपका पीछा कर रहा है। अगर हाँ, तो उस वक्त आपकी जान खतरे में भी हो सकती थी, क्योंकि हो सकता था कि वो हो स्लेंडरमैन। कद में लंबा और बिना आंख कान मुंह वाला एक इंसान, जिसे बहुत सारे लोग स्लेंडरमैन के नाम से जानते हैं, जिसे पूरी दुनिया में देखे जाने का दावा किया जाता है, और वो आज के समय में 100 से भी ज्यादा लोगों को गायब कर चुका है। माना जाता है कि स्लेंडर मैन की शुरुआत किसी ने 2009 में इंटरनेट पे शुरू की थी, लेकिन स्लेंडर मैन उससे कई ज्यादा पुराना है। सबसे पहले स्लेंडर मैन को 1980s में अमेरिका में देखे जाने का दावा किया गया था। स्लेंडर मैन को देखने का दावा सबसे ज्यादा बच्चे करते थे। वो सब ऐसा कहते थे कि एक लंबा आदमी जिसने सूट पहन रखा है, वो उन्हें घंटों घूरता है। पहले पहले तो उन बच्चों के माता पिता ने इस चीज को मजाक में उड़ा दिया, लेकिन बाद में यह उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि एक रात जिन बच्चों ने स्लेंडर मैन को देखने का दावा किया था, वो सारे के सारे 14 बच्चे कहीं गायब हो गए, और आज तक भी पुलिस एक भी बच्चे को नहीं ढूंढ पाई है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता था कि एक अजीब सा दिखने वाला इंसान एक साथ 14 बच्चों को गायब कर दे? क्या ऐसा भी हो सकता है कि स्लेंडर मैन और कोई नहीं बल्कि एलियन हो, जो हम इंसानों के बारे में जानने के लिए हमें यहां से ले जा रहे हों? ये बात सच भी हो सकती है, लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि स्लेंडर मैन के कहने पर बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। 2014 में इन दो लड़कियों ने दावा किया कि स्लेंडर मैन के कहने पर उन्होंने अपने दोस्त की जान लेने की कोशिश करी। उनके हिसाब से वो अगर ऐसा नहीं करते तो स्लेंडर मैन उनके परिवार वालों को मार देता। और सिर्फ स्लेंडर मैन को खुश करने के लिए इन दोनों बच्चों ने अपनी दोस्त की जान लेने की कोशिश करी। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि स्लेंडर मैन एक सीरियल किलर हो, जो कि भूत और लोगों की डर की आड़ में लोगों का खून कर रहा है, लेकिन एक इंसान के लिए एक साथ 14 बच्चों को गायब करना कैसे मुमकिन है? सवाल कई उठते हैं, लेकिन जवाब है सिर्फ स्लेंडरमैन। For more such interesting topics, please subscribe my channel and share the video to your friends. Thanks a lot. Thanks for watching. Please like, please share, please subscribe my channel Mysterious Planet. Bye bye.